बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जालिम की तअज़ीम करना दुरुस्त है या नहीं? एक शख्स से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की इजाज़त मांगी, आपने फरमाया उसको आने दो कि यह अपने लोगों में बुरा आदमी है। इस हदीस शरीफ का मतलब यह है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि वह आदमी जब आपके पास आकर बैठा तो आपने उससे नरमी और ख़ुशी के साथ बात की। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उसको बुरा कहा था मगर जब वो आ गया तो आपने उससे नरमी और ख़ुशी के साथ कलाम किया। आपने फरमाया, ऐशा तुमने मुझको बद अख्लाक कब देखा? देखो, खुदा की मखलूक में सबसे बुरा खुदा के नज़दीक क़्यामत में वो आदमी होगा जिसकी बुरी आदत और जुल्म की वजह से डर कर लोग उसकी तज़ीम करेंगे। इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि जालिम और बुरी आदत के आदमी की तज़ीम और इज़्ज़त इसलिए करना कि उसकी शरारत और अदावत से बचो तो ये दुरुस्त है। उसी तरह जालिम और फासिक की गिबत करना भी दुरुस्त है ताकि ऐसे बुरी आदत के आदमी का हाल सुनकर लोग नसीहत पकड़े और उसकी बदी से अपना बचाव करें।